सरहद पार से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर इस समय उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही हैं। एटीएस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस पूरे प्रकरण के बाद सतर्क हो गई है और प्रदेश में अवैध तरीके से घुसे विदेशियों की खोजबीन करवा रही है। बता दें कि यूपी एटीएस ने प्रदेश के कई जिलों में बड़ी कार्यवाही की है। एटीएस की कार्यवाही में अलग अलग जगहों से दर्जनों रोहिंग्या पकड़े गए हैं। एटीएस की जांच में गिरफ्तार किए गए रोहिंग्यों को अलीगढ़ थाने में रखा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सुबह 5 बजे तक उठा के लेके आई, हिंदी भी लेने के लिए कह के उठा के लेके आई, नींद से उठा के दरवाजा कट कट कटा के, तो बच्चा भी आई हमारे साथ, हमारे हस्बैंड नमाज पढ़ने गई आया नहीं, तो हमारा बच्चा लेके आने के साथ साथ अलग कर दिया, हमारा बच्चा अभी तक हमारे हाथ में दिया नहीं। हम मैमा रोहिंग्या की है, अलीगढ़ में 2015 में आई, यहाँ तो बहुत सारा लोग है, यहाँ भी अभी तो 25 लोग है। जिस टाइम हमारे देश में लड़ाई चल रहा है, इस टाइम हम लोग सब लोग भाग के आई, काम किधर गई मालूम नहीं सर जी। सर को सर इधर काम करती है, बेल कंपनी में काम करती है, अभी बेलदारी कर रही है, कंपनी में करने नहीं दे रही जी। जी पहला गोश की कंपनी में काम करती है, अभी करने नहीं दे रही है काम, तो अभी बेलदारी में काम कर रही है। सुबह तक खा, रात को भी खाना खाया नहीं, घर पे चावल नहीं, इसलिए तो बेलदारी किया, बेलदारी ने पैसा दिया नहीं। सुबह यहाँ सुबह पुलिस वाला ने सब दरवाजा खटखटा के जाके लेके आई सर, तो हमारा अपने देश भी सुकून नहीं, यहाँ भी सुकून से रहना नहीं देगी, तो हम लोग सब लोग गोली लगाने के लिए तैयार है, गोली लगा देने के लिए हम लोग बिल्कुल इकट्ठा में गोली लगा देने के लिए तैयार है। हमारे बच्चा किधर लगेगी मालूम नहीं सर, सुबह तक 2 बच्चा है, कपड़ा भी पहना नहीं पाई। अलीगढ़ मखदूम नगर में रह रहे थे 12 साल हो गए, करीबन अभी तो है 20-25 फैमिली। कहाँ से आए थे? मेमार, 12 साल पहले। अब क्या हुआ है यहाँ? आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, इन्हें सुबह 5 बजे सबको उठा ला है। कौन? पुलिस वाले। क्या कहते? कुछ नहीं बोला, बस गए सुबह उठा के ले आया, चुपचानी से उठा के लिया, ऐसे थाने में कोतवाली थाने में रोका, फिर वहाँ से यहाँ ले आए। कुंटेस हो? कुंटेस। कुछ ना कर, आप तो कह रहे हैं कि कोई जमानत में छुड़ा हुआ तो सही है, वरना जेल में। महिला कितनी है? महिला है 10-15 महिला, पुरुष 8 है। और मैं म्यांमार से आया हूँ, और यहाँ पे हम सब लोगों को पकड़ लिया है यहाँ मखदूम पीपल का गली से, अलीगढ़ यूपी अलीगढ़। तो यहाँ पे सुबह से खाना पीना नहीं खाया, ऐसे हालत में पड़े हैं यहाँ पे। म्यांमार से 13 साल करीब हो गया सर। कितने लोग हैं? 20 फैमिली है सर। क्या करते हो? मीट फैक्ट्री में काम करते हैं, और चर्बी वगैरह फेंकते हैं उधर में फैक्ट्री में। सभी लोग मीट फैक्ट्री में काम करते हैं? जी सभी लोग करते हैं वहाँ। अब महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं कितने हैं ये तो मालूम नहीं है सर। टोटल कितने लोग हैं? टोटल तो 20 फैमिली है, यही मालूम है सर। कौन लाया? कहाँ से? बर्मा से सर। बर्मा से तो अपना आप आ गया सब लोग, ऐसे ही लोग आना जाना कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आ गए दलाल वाला के साथ। तो मैं छोटा था सर, मैं 7 साल का था उस टाइम, आ गए यहाँ पे, मुझे कैसे आया, कैसे बॉर्डर क्रॉस किया ये मुझे मालूम नहीं, सब याद नहीं। गिरफ्तार क्यों किया है? गिरफ्तार कोई कसूर नहीं है, ऐसे ही बिना फालतू के ऐसे ही जाके सुबह अचानक जाके पुलिस वाला ले जाके ऐसे ही पकड़ के गाड़ी में बिठा के लेके आया। जी सर, अब क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि जमानत हो गया, हमें वहाँ जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी 29 रोहिंग्यों को यूपी एटीएस द्वारा पकड़ा गया है। ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए थे और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। सीमा हैदर इन दिनों रोहिंग्यों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि जैसे ही इसके अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने की खबर आग की तरह फैली, तभी इन रोहिंग्यों पर एटीएस की जाँच पड़ताल शुरू हो गयी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।